खबरों की नई दुनिया न्यूज ट्यूबर हिंदी। केरल के शिहाब जो कि 2 जून 2022 को पैदल हज के सफर पर निकले हैं, हम आपको बताएंगे कि शिहाब की ये हज यात्रा कैसी रहेगी और वो किन किन रास्तों से होकर जाएंगे और कब तक सऊदी अरब के मक्का शहर पहुंचेंगे। शिहाब केरल से चलकर भारत के कई राज्यों से होकर जाएंगे। शिहाब केरल से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और अंत में सऊदी अरब के मक्का शहर पहुंचेंगे। शिहाब का ये सफ़र करीब 280 दिनों में पूरा होगा। शिहाब रोज़ाना 25 किलोमीटर तक चलेंगे। इस दौरान उन्हें रास्ते में लोगों का खूब सारा प्यार मिल रहा है। लोग उनकी इस जज्बे की तारीफ़ कर रहे हैं, लोग उनके इस हिम्मत को दाद दे रहे हैं। शिहाब को लोग रास्ते में हर तरह की मदद कर रहे हैं। शिहाब जिस किसी भी राज्य से होकर गुज़र रहे हैं वहाँ पर लोग पहुँचकर, वहाँ के लोग पहुँचकर उनका ज़ोरदार स्वागत कर रहे हैं और उनसे दुआओं के लिए कह रहे हैं और उनको हर तरह की मदद भी कर रहे हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है, उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है और उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहा है। वाकई में शिहाब का ये फैसला तारीफ़ के लायक है। बहुत ही हिम्मत की बात है कि पैदल भारत के केरल से सऊदी अरब के मक्का तक का सफ़र तय करना। केरल से सऊदी अरब के मक्का तक की दूरी करीब 8,640 किलोमीटर की है। ऐसा पहली बार है कि भारत से कोई पैदल हज के सफ़र के लिए जा रहा है। अब लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि शिहाब ने पैदल ही जाने का रास्ता क्यों चुना, उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि वो पैदल ही चल पड़े। शिहाब 29 साल के हैं। शिहाब युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं, उनके अंदर जोश पैदा करना चाहते हैं ताकि वो अपने पास की मस्जिद तक जा सकें। शिहाब अगली साल होने वाले हज में शामिल होंगे और वो 2023 की फरवरी में सऊदी अरब के मक्का शहर पहुंचेंगे।